मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी इश्क में भोंदू राम। देखिए, एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझको बहुत ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है, लेकिन आज की कहानी मेरे ही ऊपर है, सो मैं आप लोगों को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, वरना मैं अनजान लोगों को दरवाजे से ही भौंक के भगा देता हूँ। मेरा नाम भोंदू है, पूरा नाम भोंदू राम, उम्र यही कोई 4 साल, ब्रीड लैब्राडोर, रंग हल्का पीला। आज तक 2 लोगों को काट चुका हूँ मैं। नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, यूं ही मैं बेवजह किसी को थोड़े काटता हूँ, पागल नहीं हूं मैं। अरे वो तो उस दिन शाम को ट्यूशन से आते वक्त मेरी प्रिया दीदी को 2 बाइक पे सवार बदतमीज लड़के गली में छेड़ रहे थे, बालकनी से देख लिया मैंने, खून खौल गया था मेरा, दौड़ के गया और फिर उन दोनों को ऐसा काटा ऐसा काटा ऐसा काटा मत पूछिए, दोनों अपनी अपनी बाइक वहीं गली में छोड़ के भाग गए थे। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, हाँ इंट्रोडक्शन, नाम तो आप लोगों को पता ही चल गया है, अब पता भी बता देता हूँ। सुभाष नगर के इस पॉश मोहल्ले के इस आलीशान 2 मंजिला मकान में रहता हूँ मैं। यहाँ मेरे घर में ऐशो आराम की किसी चीज की कोई कमी नहीं है। देखिए, गर्मी मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है, हमारे घर में हर कमरे में एसी लगे हुए हैं। अरे आप लोग जलना चाहें तो बेशक जल सकते हैं भाई, अपनी अपनी किस्मत है। वो कहते हैं ना, मुंह में चांदी का चमचा लेके जन्म लेना। वैसे मेरा जन्म तो कहीं और हुआ था, ज्यादा कुछ तो याद नहीं, पर हाँ हम लोग 8 भाई बहन एक साथ पैदा हुए थे। माँ हम सभी को पेट भर के दूध पिलाती और बारी बारी से हम सभी को चाट चाट के पुचकारती, खूब दुलार करती थी। दिन में हम सब भाई बहन आपस में खूब खेलते, धमा चौकड़ी मचाते, और रात को थक के आपस में एक साथ गुत्थम गुत्था होके एक दूसरे को तकिया बना के सो जाते। जिंदगी मजे में कट रही थी, हम लोग तेजी से बड़े हो रहे थे और हमारी शैतानियां भी बढ़ती जा रही थी। माँ सोई रहती तो हम सब माँ के ऊपर से छलांग लगाने की कोशिश करते, तो कभी माँ की पूंछ के साथ खेलने लगते, तो कभी खेल खेल में एक दूसरे के ही कान को चबाने लगते। माँ गुर्राती तो थोड़ी देर के लिए हम सब शांत होकर बैठ जाते, फिर कुछ देर में हम सब फिर से शुरू हो जाते। एक शाम जब हम सब खेल रहे थे तो किसी ने मुझको वहां से उठा के एक बास्केट में डाल दिया और फिर गाड़ी में बिठा के इस घर में ले आए। उस दिन प्रिया दीदी का 16वां जन्मदिन था और मैं उनका बर्थडे गिफ्ट। प्रिया दीदी ने तो मुझको देखते ही खुशी से गोद में उठा लिया, पर मैं एक तो नया घर, ऊपर से पार्टी में आए इतने सारे लोग, सब देख के डर गया था। और फिर प्रिया दीदी के केक काटते ही किसी ने बड़ा सा गुब्बारा फोड़ा और गुब्बारे के फटने की आवाज सुनते ही मैं दौड़ के सोफे के अंदर जाके छुप गया था। प्रिया दीदी ने मुझको पुचकारते हुए सोफे के नीचे से बाहर निकाला था और फिर मेरे माथे को चूम के मुझसे कहा था, कितना डरपोक है तू, एकदम भोंदू, आज से तेरा नाम भोंदू राम। तब से मेरा नाम भोंदू राम पड़ गया और फिर मुझको समझ में आ गया कि इन लोगों ने मुझको गोद में लिया है और अब यही मेरा घर है, यही मेरे परिवार वाले। प्रिया दीदी मेरी दीदी, मिस्टर राकेश शर्मा मेरे पापा, मिसेज नीलिमा शर्मा मेरी नई मम्मी, और मैं उनका प्यारा बेटा भोंदू राम। हाँ, उसके बाद से हर साल दीदी के बर्थडे केक पे नीचे मेरा नाम भी लिखा होता है। हम लोग हर साल साथ में ही जन्मदिन मनाते हैं। आलीशान घर, ऐशो आराम, अच्छा खाना, अच्छा परिवार, प्यार करने वाले लोग। आप सोच रहे होंगे कितना लकी हूं ना मैं। हाँ मैं लकी तो हूं, पर शायद उतना नहीं जितना आप लोग सोच रहे हैं। 2 साल के बाद ही प्रिया दीदी अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर चली गई। अब वो साल में एक आध बार ही छुट्टियों में आती है। इधर मम्मी पापा सुबह ऑफिस जल्दी चले जाते हैं और देर शाम तक जब वो लौटते हैं काफी थक चुके होते हैं। उनमें इतनी ताकत ही नहीं बचती कि कुछ देर बॉल लेके मेरे साथ बाहर गार्डन में खेलें। हाँ वैसे मेरी देखभाल के लिए मम्मी ने घर पे कांता बाई को रख रखा है, पर यह और बात है कि कांता बाई मेरा कम खुद का ध्यान ज्यादा रखती है, काम चोर कहीं की, जब देखो टीवी देखती रहती है और न जाने फोन पे किससे बातें करती रहती है। मुझे तो पूरा शक है कि इसके एक नहीं बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं। मैं कुछ बोलूं तो मुझको दूसरे कमरे में ले जाके बंद कर देती है और शाम को जब मम्मी ऑफिस से लौटती हैं तो उल्टा मेरी शिकायत लगा देती है कि मैंने उसको दिन भर परेशान किया, और मम्मी भी बिना सोचे समझे मुझे को उल्टा डांट देती है। मैं तो बस अभी सब चुपचाप सह रहा हूं, पर जिस दिन पानी सर से ऊपर गया ना उस दिन इस कांता की बच्ची को ऐसा काटूंगा, ऐसा काटूंगा,
कि सातों जन्म तक याद रखेगी कि झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। एक मिनट, ये तो मम्मी की कार की आवाज है। अरे वाह, आज तो मम्मी और दिनों के मुकाबले काफी जल्दी ऑफिस से घर आ गईं। याहू! पर अपना ड्राइवर राजेश बाहर गाड़ी लेके अब तक क्यों खड़ा है? हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? अच्छा, तभी आज दोपहर से ही कांताबाई ड्रेसिंग टेबल के सामने कुछ ज्यादा ही सतसंवर रही थी। कुछ देर बाद मैं, मम्मी और कांताबाई कार की पिछली सीट में ठाट से बैठ गए। मैंने खिड़की पकड़ ली और राजेश ने मम्मी की फेवरेट गजल वाली सीडी लगा दी और अपनी गाड़ी चल पड़ी सुभाष नगर की सड़कों पे। एक मिनट, आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि हम सब घूमने जा रहे हैं? अमा छोड़िए, हमारी इतनी किस्मत कहाँ। हम लोग घूमने नहीं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बीमार तो नहीं है, पर न जाने क्यों मम्मी को ऐसा लगता है कि मैं बीमार चल रहा हूँ, कि मैं काफ़ी सुस्त और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया हूँ। दरअसल ये सब और कुछ नहीं, इस कांताबाई की कान भराई का नतीजा है। और वैसे भी जो सुबह शाम इस कांताबाई के हाथ का खाना खाए, वो आज नहीं तो कल बीमार तो हो ही जाएगा। कमबख्त को सजने संवरने से फुर्सत मिले तब तो ना ढंग से खाना खिलाए। मैं तो बता रहा हूँ ना, आप देख लीजिएगा, मेरे शिकारों की गिनती बहुत जल्दी बढ़ के 2 से 3 होने वाली है। इस कांताबाई को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। खैर, अभी जाने दीजिए, डॉक्टर के बहाने से कम इस वक्त अभी गाड़ी में बैठ के शहर घूमने का मौका तो मिल रहा है। चल भोंदू राम, जिंदगी के सफर का अभी तो मजा ले ले, कल किसने देखा है। लीजिए, बातों बातों में पहुंच गए हम डॉक्टर रजनी चड्ढा डॉग क्लिनिक। मम्मी कहती है कि डॉक्टर रजनी चड्ढा डॉग्स की सबसे अच्छी डॉक्टर है, पर मुझको पसंद नहीं है वो। कुछ सुनती समझती नहीं है, बात बात पे इंजेक्शन घोंप देती हैं। वैसे मुझको इंजेक्शन से डर नहीं लगता है, ऐसा मत सोचिएगा। ना ना, अरे बाप रे, आज तो क्लिनिक पे काफी भीड़ है। मम्मी हम लोग किसी और दिन आते हैं ना। अरे कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता है? उफ, यहाँ एसी नहीं चल रहा है क्या? कितनी गर्मी लग रही है। एकांता भाई, मेरे गले का चैन खोल दो ना, मैं थोड़ा बाहर टहल के आता हूँ, यहाँ की फिनाइल की बू में मेरा दम घुट रहा है। मैम साहब देखिए, भोंदू फिर से परेशान कर रहा है मुझे। कांता ने झट से मम्मी से मेरी शिकायत लगा दी। भोंदू बदमाशी नहीं करते, बैठो आराम से। मम्मी ने मुझको डांटा तो वहां पे मौजूद सारे डॉग्स मुझ पे हंसने लगे। कांता ने तो बैठे बिठाए हमारी पूरी डॉग बिरादरी में मेरी इज्जत का कबाड़ा कर दिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबका दिन आता है, एक दिन मेरा भी आएगा कांता, सब बदला लूंगा उस दिन। हम लोग वेटिंग लाउंज में अपनी बारी का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी डॉक्टर के चेंबर से एक बूढ़ा मरियल सा अल्सेशन लंगड़ाता हुआ अपने मालिक के साथ बाहर निकला। मैंने देखा तो चेहरा जाना पहचाना सा लगा। अरे ये तो हमारे पुराने पड़ोसी गफ्फार अंकल का अल्सेशन टाइगर है, जिसको बचपन में हम सब प्यार से टाइगर अंकल बुलाते थे। मैंने झट से भौंक की आवाज लगाई, टाइगर अंकल। उन्होंने मेरी तरफ देखा पर शायद मुझको पहचान नहीं पाए। अरे टाइगर अंकल, मैं भोंदू। अरे भोंदू राम, पहचाना नहीं? कौन? अरे भोंदू, कैसे हो बेटा? माफ करना, मैं पहचान नहीं पाया, मेरी नजरें थोड़ा कमजोर हो गई है ना। टाइगर अंकल, आपकी सिर्फ नजरें ही नहीं, आप भी कितने कमजोर हो गए हैं। क्या बॉडी थी आपकी! अरे मजाल थी किसी का डॉग आपके सामने भौंक दे, पूरे मोहल्ले में आपकी तूती बोलती थी, और अब ये क्या हाल हो गया आपका। अरे बेटा, वो दिन और थे, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। खैर छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ तुम कैसे हो और तुम्हारी प्रिया दीदी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ टाइगर अंकल, और प्रिया दीदी तो पढ़ने के लिए बाहर चली गई है, छुट्टियों में आती है। अच्छा, शादी की भोंदू? अरे कहाँ, कैसी बातें करते हैं टाइगर अंकल, अभी तो मासूम हूँ मैं। मैं टाइगर अंकल के साथ बात कर ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि एक चपटी नाक वाला बमुश्किल आधा पौना किलो का एक पग खड़े खड़े टाइगर अंकल की हालत देख के हंस रहा था। बदतमीज कहीं का, मेरा तो खून खोल गया। मैंने उस पे ऐसे जोर से भौंका कि वो पग उल्टे पैर भागा और सीधे अपने मालिक की गोद में जाके छिप गया। अरे भोंदू, नाराज क्यों होते हो, बच्चा है, टाइगर अंकल ने कहा। बच्चा? ये पिद्दी बूढ़े भी हो जाएंगे तो ऐसे पिद्दी रहेंगे। पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया है, कबूतर जैसे कुत्ते लिए घूमते हैं। एक वक्त था जब लोग हमारे जैसे हट्टे कट्टे डॉग्स को पसंद करते थे, और अब हर जगह ये नकचपटे दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि टीवी पे भी आने लगे हैं। काफी नाराज दिखते हो भोंदू,
चिड़चिड़े भी हो गए हो। चिड़चिड़ा मैं? लगता है ये बुड्ढा सही में सठिया गया है। ठीक है बंधुआ, मैं चलता हूँ, टाइगर अंकल ने कहा। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट टाइगर अंकल, माफ कीजिएगा, पर जब आप डॉक्टर के चेम्बर से बाहर आए थे तब आप पिछली टांग से लंगड़ा के चल रहे थे, पर अब अच्छा, अरे वो डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था सो दर्द हो रहा था, हर हफ्ते आके अब विटामिन की इंजेक्शन लेनी पड़ती है ना। भोंदू चलो, डॉक्टर ने अंदर बुलाया तुमको बेटा, मम्मी ने कहा। हाँ आ रहा हूँ मम्मी। हे भगवान, ये डॉक्टर इतना इंजेक्शन क्यों देता है, कहाँ फंस गया मैं। टाइगर अंकल के जाने के कुछ देर बाद हम लोग डॉक्टर के चेंबर में थे। मम्मी और कांता भाई सामने कुर्सी पे बैठी थीं और डॉक्टर टॉर्च जला के हर बार की तरह कभी मेरी आंखों में देख रही थीं, तो कभी मेरे कानों में रोशनी डाल रही थीं, तो कभी मेरा मुंह खुलवा के अंदर झांक रही थीं। पता नहीं ये डॉक्टर हर बार टॉर्च लेके मुझमें क्या ढूंढने लगती हैं। खैर डॉक्टर तो मेरा चेकअप करने में लगी थी, पर मेरे दिमाग में टाइगर अंकल की वो बात मक्खी की तरह भिनभिनाई जा रही थी। क्या मैं सही में चिड़चिड़ा हो गया हूँ? नहीं नहीं, ये सब बकवास है। तभी डॉक्टर ने कहा, एवरीथिंग इज नॉर्मल, आपकी बोंदू को ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है? देखा देखा, मैंने कहा था ना मम्मी। पर डॉक्टर आजकल बोंदू फिर इतना सुस्त और चिड़चिड़ा क्यों हो गया है? मम्मी ने डॉक्टर से पूछा। मिसेस शर्मा देखिए, जानवर भी हम जैसे ही होते हैं, फर्क इतना है कि हम इंसान इनको जानवर समझते हैं। मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर। देखिए आपका बोंदू अब 4 साल का हो रहा है, जैसे कोई इंसान 40 का, और इस उम्र में अच्छे खाने पहनने से कहीं ज्यादा जरूरत एक अच्छे साथी की होती है, वरना ये अकेलापन किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। भोंदू को दवाई की नहीं, एक साथी की जरूरत है। आप ऐसा करें कि आपके भोंदू की तस्वीर यहाँ के मैचिंग बॉक्स में लगा दें, कोई ढंग का मैच मिलेगा तो आप लोगों को खबर कर दी जाएगी। वैसे इसके चांस कम है, हम इंसान भी आजकल काफी समझदार जो हो गए हैं, हम घर पे पेट्स भी आजकल जेंडर जांच करा के पालते हैं। इंसानों की तरह पेट्स के मामले में भी हम बेटियों के मुकाबले में बेटों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, डॉक्टर चड्ढा बोली। नहीं डॉक्टर, हम समझदार नहीं, दरअसल स्वार्थी हो गए हैं, और मैं शायद कुछ ज्यादा ही, शायद साल भर पहले मैं इतनी स्वार्थी नहीं बनती तो मेरा भोंदू पहले जैसा ही रहता। अरे क्या कह रही हो मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं रोजी से प्यार नहीं करता हूं। पता है डॉक्टर, साल भर पहले पड़ोस में भोंदू के लिए एक अच्छा मैच मिला भी था, पर एक छोटी सी बात पे उस घर की मिसेज से मेरी कहा सुनी हो गई, मैं अपना झूठा गुरूर लिए रह गई, और फिर 3 महीने बाद वो लोग चेन्नई शिफ्ट कर गए। पर आज भी मेरा भोंदू बालकनी में बैठ के घंटों उस घर की तरफ देखता रहता है। रात में डॉक्टर के क्लिनिक से घर लौटते वक्त गाड़ी में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे हर कोई मन ही मन खुद को दोषी ठहरा रहा हो, और बाहर थी गाड़ी पे पड़ती बारिश की बूंदों की तेज आवाज। तभी राजेश ने जोर से ब्रेक लगाया, कोई गाड़ी के सामने आ गया था। अरे ये तो किसी फीमेल डॉग के कराने की आवाज है। हम सभी जल्दी से गाड़ी के बाहर निकले, उसको हमारी गाड़ी से चोट लगी थी। मम्मी ने राजेश से उसको गाड़ी में ले आने के लिए कहा, और फिर कुछ ही पलों में हमारी गाड़ी किसी एम्बुलेंस की तरह वापस डॉग क्लिनिक की तरफ बढ़ चली थी। करीब आधे घंटे के बाद हम सब फिर से डॉक्टर रजनी चड्ढा के डॉग्स क्लिनिक में थे। मैं, मम्मी और कांता बाहर वेटिंग लाउंज में बैठ के उसकी सलामती की दुआ मांग रहे थे, डॉक्टर अंदर उसकी मरहम पट्टी कर रही थी। राजेश को कितनी बार मैंने भौंक भौंक के आगाह किया था कि इतनी तेज गाड़ी मत चलाया कर, पर मेरी कोई सुनता कहाँ है। बेचारी को कितनी तकलीफ हो रही थी जब हम उसको गाड़ी में लेके आ रहे थे, उसकी आंखें कितनी मासूम थी। मैंने उससे कहा, डरो मत, तुमको कुछ नहीं होगा, हम तुमको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। मैं भगवान जी से उसके लिए दुआ मांग ही रहा था कि डॉक्टर बाहर आके बोली, घबराने की कोई बात नहीं है, चोट अंदरूनी नहीं है, मैंने मरहम पट्टी कर दी, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। ये मैं तो खुशी के मारे उछल पड़ा। हम सब अंदर गए, वो माथे पे पट्टी लगाए बैठी थी। मैंने धीरे से पूछा, अब कैसा लग रहा है? उसने कुछ जवाब तो नहीं दिया, पर उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि वो मुझको थैंक यू कह रही हो। कितनी भोली और सुंदर आंखें हैं, मैंने मन ही मन कहा। तभी कुछ ऐसा हुआ कि जैसे भगवान ने मेरी मन की बात सुन ली हो। कांता बाई बोली, मैम साहब ये कितनी प्यारी है, क्या हम लोग इसको अपने साथ घर पे रख सकते हैं? कांता की ये बात सुन के मेरा मन किया कांता को खुशी से एक पप्पी दे दूं,
पर एक संस्कारी घर से होने के कारण मैंने पराई महिला को पप्पी देने से अपने आप को रोक लिया। मम्मी ने कांता की बात सुन के मेरी ओर देखा, मैंने मम्मी की ओर, और फिर मम्मी मुस्कुरा के बोली, अगर भोंदू को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे साथ ये रह सकती है। मम्मी की ये बात सुनते ही सच पूछिए तो मुझको ऐसा लगा जैसे मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा। मैं तो खुशी से दो टांगों पर खड़ा हो गया। थैंक यू मम्मी। और कांता भाई मुझको माफ करना, मैंने आज तक तुमको कितना गलत समझा। थैंक यू कांता भाई, थैंक यू। रात को जब हम सब घर पहुंचे तो वो गहरी नींद में सो चुकी थी। डॉक्टर ने उसको नींद का इंजेक्शन लगा दिया था। कांता भाई ने बरामदे के कोने में उसके लिए बिस्तर लगा दिया। मैंने उसको अपना फेवरेट तकिया दे दिया और राजेश ने उसको उस पर सुला दिया। किसी को बताइएगा नहीं, जब तक रात को मुझको नींद नहीं आई ना, मैं उसको अपने कमरे से देखता रहा, और जब नींद आई तब भी सपनों में उसी को देखता रहा। अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा वो रो रही है। मैंने पूछा, तुम रो क्यों रही हो, तुम ठीक हो जाओगी, मुझको घर जाना है। उसने रोते हुए कहा, घर? अब यही तुम्हारा घर है, मम्मी ने तुमको रख लिया है। नहीं, ये मेरा घर नहीं है, मुझको घर जाना है। वो और जोर से रोने लगी। देखो देखो रो मत, नाम क्या है तुम्हारा? मैंने पूछा। मिनी, उसने रोते हुए कहा। मिनी, वाह, नाम भी कितना खूबसूरत है। मिनी मिनी, मेरा नाम भोंदू है, भोंदू राम, और यहां तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम यहीं रह सकती हो। नहीं, मुझको अपने घर जाना है। उसने उठने की कोशिश की पर दवाई का असर अब भी था, वो गिर गई। देखो तुम अभी बहुत कमजोर हो, और अगर तुमको अपने घर जाना ही है तो ठीक है, मैं तुमको ले जाऊंगा तुम्हारे घर, पर पहले तुम ठीक तो हो जाओ। मैंने मिनी से कह तो दिया था, पर मुझको ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कांच का कुछ टूट गया हो। हे भगवान, जब सपना तोड़ना ही था तो फिर दिखाया क्यों। मिनी को हमारे घर में आए अब 2 दिन बीत चुके थे। उसकी तबीयत तो अब काफी बेहतर थी, पर मन उसका हमेशा घर जाने के लिए उदास रहता। और एक सुंदर लड़की का उदास चेहरा आपको भी उदास कर ही देता है। सो मैंने उसको उसके घर पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया था, पर परेशानी यह थी कि मिनी को अपने घर का पूरा पता नहीं था। पूछने पे वो सिर्फ इतना बता पाई कि वो बेलापुर में रहती है और उसके घर के सामने एक छोटा सा पार्क है जहां पे लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। अब हर पार्क में लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं और बेलापुर कोई छोटी सी जगह थोड़े है, कैसे ढूंढे। खैर, मैंने अपने मोहल्ले के सारे दोस्तों जैसे टॉमी अल्सेशन, रॉकी डॉबरमैन, शेरू बुलडॉग, सबको ये बात बता दी थी, लेकिन किसी को भी बेलापुर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। हाँ, एक बंदा था जिसको हम सब में बेलापुर के बारे में सबसे ज्यादा पता था। वो पहले बेलापुर में ही रहता था और वो था मोंटू द पग। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी उन पिद्दी कुत्तों से कभी बनी नहीं, और मोंटू से तो मेरी बचपन की दुश्मनी है। मैं तो उसको पार्क में देखते ही भौंक के भगा देता हूं। लेकिन ये प्यार क्या क्या नहीं करवाता है दोस्तों। उस शाम मैं और मिनी दोनों पार्क में मोंटू से मिलने के लिए गए। मैंने मोंटू से दिल पे पत्थर रख के कहा, सुनो, मुझको बेलापुर के बारे में जानना है। पर मोंटू मेरी बात अनसुनी करके आगे बढ़ गया, मेरा तो खून खौल गया। पर तभी मिनी अपनी मीठी आवाज में बोली, रुको मोंटू भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए। मिनी की बात सुन के मोंटू रुक गया और बोला, मैं लड़की की मदद हमेशा करता हूं, तुम्हें भी करूंगा, लेकिन पहले भोंदू को मुझसे सॉरी कहना पड़ेगा। मिनी ने मेरी ओर देखा। मैंने धीरे से कहा, सॉरी। सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने इस बार जोर से कहा, माफ कर दे मोंटू। ये हुई ना बात, मैं पग हूं बोल के तू मुझको बेवजह डराता रहा। अरे, तुझसे कदकाठी में छोटा हूं तो क्या हुआ, उम्र में और तजुर्बे में तो तुझसे बड़ा हूं। चल जाए, माफ किया, अब हम सब दोस्त हैं, मोंटू ने मुस्कुरा के कहा। अच्छा, अब सुनो मिनी, बेलापुर बगल में ही है, इस रास्ते से सीधे जाओगी तो आगे एक लंबा सा बिजली का खंबा आएगा, उस खंबे के आगे जाके बाएं मुड़ जाना, और उसके बाद एक ओवरब्रिज आएगा, उसको पार करके आगे चलते रहना, और फिर मेन रोड के उस ओर है तुम्हारा बेलापुर। आगे जाओगी तो कुछ दूर पे रास्ते के किनारे एक कबाब की दुकान आएगी। आह, उस दुकान के कबाब के क्या कहने। तभी बीच में मिनी ने कहा, कहीं आप सुलेमान कबाब सेंटर की बात तो नहीं कर रहे? मोंटू ने हाँ में सर हिलाया तो मिनी खुशी से चीख पड़ी, ये मिल गया मेरा पता, मेरा घर उस कबाब सेंटर के आगे वाली गली में ही है। थैंक यू मोंटू भाई, थैंक यू। चलो बनू, चलते हैं। कल सुबह चलते हैं, आज रात मम्मी तुम्हारे लिए बाजार से कुकी लाने वाली है, मैंने कहा। हाँ भी ठीक है, कल सुबह सुबह चलते हैं।
मिनी उछलते कूदते हुए घर पे चली गई और मैं वहीं खड़ा रहा। प्यार करता है तो बता क्यों नहीं देता उसको, मोंटू ने कहा। अरे क्या बकवास कर रहा है मोंटू, ऐसी कोई बात नहीं है। उस रात हम दोनों में से किसी को नींद नहीं आई। मिनी रात जल्दी खत्म होने का इंतजार करती रही और मैं ये रात कभी खत्म न हो इसकी दुआ मांगता रहा। अगली सुबह जब मैं और मिनी घर के बाहर निकले तो रास्ते पे मोंटू हमारा इंतजार करता मिल गया। अरे मोंटू तू यहाँ क्या कर रहा है, मैंने पूछा तो उसने कहा, अब दोस्ती की है तो निभानी भी पड़ेगी ना, तुम लोग कहीं रास्ता भूल ना जाओ, इसलिए साथ चलूंगा मैं भी। करीबन आधे घंटे चलने के बाद हम लोग बेलापुर पहुंचे। मिनी अपने घर को देखते ही हम लोगों से बिना बाय तक किए खुशी से दौड़ के अपने घर के अंदर चली गई। हम दोनों कुछ देर तक बाहर खड़े रहे लेकिन मिनी बाहर नहीं आई। अब चलो भी मेरे देवदास, मोंटू ने मुझसे कहा और हम लोग वापस चल दिए। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि जैसे पीछे से मुझको कोई पुकार रहा है। पीछे मुड़ा तो देखा मिनी दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रही है। मोंटू तुम चले क्यों आए, मैं तुमको सभी से मिलाने वाली थी, मिनी ने हाँफते हुए कहा। वो मैं मोंटू तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मुझसे मिलने आओगे ना। दोस्त, लड़कियों की सबसे बुरी आदत है ये, जब उनसे प्यार करो दोस्त बना लेती हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है तुम नहीं आओगे तो मैं आऊंगी तुमसे मिलने, हर रोज। हर रोज क्यों, मैंने पूछा। तो मिनी दौड़ के वापस आते हुए बोली, क्योंकि आई लव यू मोंटू, प्यार करती हूँ तुमसे। बस इतनी सी थी कहानी।